हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार थोड़े अपने चैनल 24/7 एजुकेशन हब के उपर स्वागत करता हाँ। हाँ जी, तो अपना पॉलिटी वीडियो लैक्चर सीरीज़ कंटिन्यू है। हाँ जी, आज का जो अपना टॉपिक है पार्ट सेकंड ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। अगर तुसी राष्ट्रपति का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो नू देखन तो पहला तुसी पार्ट फर्स्ट नू देखना है जो तुहानू साडे चैनल दी प्लेलिस्ट दे विच मिल जाएगा। हाँ जी, तो देखो अगर आप गल करते हाँ पार्ट फर्स्ट दे विच आप कुछ आर्टिकल डिस्कस करें लाइक 52nd आर्टिकल उस दे विच आप देखिया भारत का एक राष्ट्रपति होएगा। आर्टिकल 53 दे विच आप देखिया प्रेजिडेंट की पावर्स बारे, 54 दे विच इलेक्शंस दे बारे देखिया एंड 55 दे विच आप जो प्रेजिडेंट के इलेक्शन हैं उन्हों का जो मैथड है हाँ जी उस दे बारे देखिया। उस तो बाद देखो जी इस चैप्टर दे विच अगर आप गल करते हाँ फस्ट जिस अनुच्छेद की आप गल करांगे आर्टिकल नंबर 60 दैट इज़ वेरी इंपोर्टेंट। हाँ जी, अगर आप गल करते हाँ आर्टिकल नंबर 60 किस दे नाल डील करता है तो जो इंडिया का प्रेजिडेंट है उसकी ओथ दे बारे। हाँ जी, क्वेश्चन की आएगा प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया नू ओथ किस आर्टिकल दे अंडर दिलवाई जाती है। हाँ जी, तो देखो जी ओथ का मतलब की हुंदा है सो। हाँ जी, तो देखो जी कोई भी पोस्ट है फॉर एग्जाम्पल PM प्रेजिडेंट या फिर बोल सकते हैं स्पीकर, तो उन्होंने की है देखो जी पोस्ट के उपर बिठाने तो पहले एक प्रोसैस होंगे है जिसनों बोलिया जाता है ओथ। तो प्रेजिडेंट की जो ओथ है किस आर्टिकल दे नाल डील करती है तो आर्टिकल नंबर 60। हुण क्वेश्चन की बनता है कि प्रेजिडेंट नू जो ओथ है किस दे द्वारा दिलवाई जाती है दैट इज़ इंपोर्टेंट। हाँ जी, तो जो प्रेजिडेंट है उसनू ओथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा दिलवाई जाती है। हाँ जी, भारत दे जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख जज हुंदा है उसके द्वारा प्रेजिडेंट नू ओथ दिलवाई जाती है। हुण देखो जी क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर अगर डेप्थ दे विच बनाना चाहे तो की बोलेगा जी कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एबसेंस है हाँ जी हाजिर नहीं है तो फिर ओथ कौन दिलवाएगा। तो देखो जी चीफ जस्टिस तो बाद सुप्रीम कोर्ट का जो मुख जज होएगा हाँ जी मुख जज के द्वारा ओथ दिलाई जाएगी। हाँ जी, हुण देखो जी इसनों आपां याद किदां करांगे तो देखो 60 के पिछे की है 0 है और ओथ के स्टार्टिंग दे विच की है ओ है। तो देखो दोनों का कंबीनेशन बन रहा है दोनों ही की है जी 0 लग रहे हैं। तो इतों याद करांगे 60 आर्टिकल दे विच किस दा जिक्र करया गया है तो अपना राइट आंसर होएगा ओथ ऑफ प्रेजिडेंट। एक चीज़ तुसी और याद रखनी है देखो आप 60 आर्टिकल दे विच देखिया प्रेजिडेंट की जो ओथ है किस दे द्वारा दिलवाई जाएगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा। बट अगर क्वेश्चन आए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नू ओथ किस दे द्वारा दिलवाई जाती है तो अपना आंसर की होएगा जी प्रेजिडेंट, क्योंकि ये की है जी वाइस वर्सा हुंदा है। प्रेजिडेंट नू ओथ चीफ जस्टिस द्वारा दिलवाई जाती है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नू ओथ प्रेजिडेंट दिलवाता है। हाँ जी, हुण आप ओथ देखी इस तो बाद देखो जी एक क्वेश्चन और आता है रेजिग्नेशन यानी कि त्याग पत्र। दोनों टर्म अलग अलग हैं। हाँ जी, एक तो है जी ओथ और दूसरा है जी त्याग पत्र यानी कि रेजिग्नेशन। तो कई बार एग्जाम दे विच पूछा जाता है प्रेजिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसनों दिंदा है तो जो अपना त्याग पत्र है रेजिग्नेशन ये देगा जी वाइस प्रेजिडेंट। तो इतों अपने दो कंसैप्ट कवर हो चुके हैं। अगर ओथ का क्वेश्चन आएगा तो अपना राइट आंसर होएगा जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अगर रेजिग्नेशन यानी कि त्याग पत्र की गल होएगी तो अपना जो राइट आंसर होएगा वाइस प्रेजिडेंट। आई होप ये कंसैप्ट तुहानू समझ आया होएगा। इस तो बाद देखो जी दैट इज़ वेरी वेरी इंपोर्टेंट आर्टिकल नंबर 56। हाँ जी, अनुच्छेद नंबर 56 दे विच की दस्या गया है। हाँ जी, तो इस दे विच जो राष्ट्रपति है उस दे टेन्योर दी गल करी गई है। टेन्योर यानी कि कार्यकाल। हाँ जी, तो आई थिंक सारे नू पता होएगा जो इंडिया दा प्रेसिडेंट हुंदा है राष्ट्रपति उसका जो टोटल टेन्योर या फिर कार्यकाल हुंदा है 5 साल दा होएगा। हाँ जी, किन्ने साल दा होएगा जी 5 साल दा होएगा। इस तो बाद देखो जी नैक्सट आर्टिकल आर्टिकल नंबर 57 इस दे विच किसका जिक्र करया गया है। तो देखो कई बार एग्जाम दे विच क्वेश्चन आएगा फॉर एग्जाम्पल अगर आप गल करते हाँ अमेरिका की तो जो अमेरिका का प्रेजिडेंट है उसका टन्योर किन्ने टाइम का होएगा तो 4 ईयर
और किन्नी टर्म दे लई ओ चुनिया जाएगा, यानी कि किन्नी बार राष्ट्रपति बन सकता है, तो मैक्सिमम 2 बार। उस तरह ही देखो एग्जाम दे विच क्वेश्चन की आएगा कि जो इंडिया का प्रेजिडेंट है मैक्सिमम किन्नी बार चुनिया जा सकता है, तो अपना आंसर की होएगा जी, हाँ जी इलेक्टेड एनी नंबर ऑफ टाइम, हाँ जी जिन्नी बार चाहे प्रेजिडेंट इलेक्शन लड़ सकता है और प्रेजिडेंट की पोस्ट के उपर अपॉइंट हो सकता है, तो कोई कंडीशन नहीं है, हाँ जी। तो देखो दोनों आर्टिकल तुसी याद करने हैं, 56 दे विच की है जी टेन्योर, यानी कि कार्यकाल किन्ने साल का है, तो 5 साल का। 57 आर्टिकल किस दे नाल डील करता है कि प्रेजिडेंट जिन्नी बार चाहे प्रेजिडेंट बन सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हाँ जी। देखो जी इतने एक होर क्वेश्चन आएगा, टेन्योर की गल आई है, अगर क्वेश्चन आए कि इंडिया का प्रेजिडेंट जिस दा जो कार्यकाल है सब तो ज़्यादा सी, यानी कि लोंगेस्ट टेन्योर ऑफ प्रेजिडेंट, तो उसका नाम है जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हाँ जी। तो ये कौन सन जी, इंडिया दे फर्स्ट प्रेजिडेंट सन, और सब तो ज़्यादा कार्यकाल भी किन्ना दा सी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दा सी, हाँ जी। तो इन्हों की अगर आप कार्यकाल की गल करते हाँ, तो 1950 तो लैके 1962 तक 12 साल तक प्रेजिडेंट रहे, हाँ जी। आई होप इतों तक तो क्लीयर हो चुका होएगा। नैक्सट जो आर्टिकल है देखो जी 61 के बारे आप देखते हैं, हूँ देखो जी क्वेश्चन इस तो की बनेगा। सब तो पहला देखते दे हाँ जी आर्टिकल नंबर 61 किस दे नाल डील करता है, दैट इज़ इंपोर्टेंट। तो अपना आंसर की होएगा जी इंपीचमेंट। हूँ तुहाडे माइंड दे विच आएगा कि इंपीचमेंट की हुंदा है, हाँ जी। तो तुहानू सब कुछ बिल्कुल सरल भाषा दे विच समझाया जाएगा, हाँ जी। देखो जी इंपीचमेंट का मतलब हुंदा है ओहदे तो अलग करना, किसनू अलग करना, तो प्रेजिडेंट, हाँ जी। हूँ देखो जी क्वेश्चन की आता है, हाँ जी क्वेश्चन आएगा कि जो प्रेजिडेंट है उसके खिलाफ इंपीचमेंट या फिर ओहदे तो अलग करन दे लई केड़ा आर्टिकल संविधान दे विच दित्ता गया है, तो अपना राइट आंसर होएगा आर्टिकल नंबर 61, हाँ जी। हूँ देखो जी इसका रीज़न की हो सकता है, यानी कि कारण की होएगा, तो देखो जी एग्जाम दे विच ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति दे उपर इंपीचमेंट या फिर इसनों पंजाबी दे विच एक और नाम नाल जानिया जाता है महादोष, हाँ जी। तो अगर क्वेश्चन आए कि प्रेजिडेंट के उपर इंपीचमेंट चलान का रीज़न की होना चाहिए है, की कारण हो सकता है, ग्राउंड केड़े केड़े होंगे, तो देखो जी सिर्फ एक ही ग्राउंड है, वो केड़ा ग्राउंड है जी, केड़ा कारण है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर इसनों बोल सकते हाँ जी संविधान की उलंघना, संविधान की उलंघना। तो देखो जी जो भी राष्ट्रपति संविधान की उलंघना करेगा या वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान तो बाहर जाके जो वर्क करेगा, तो उस सिचुएशन दे विच जो प्रेजिडेंट है उसके ऊपर की चलाया जा सकता है, इंपीचमेंट चलाई जा सकती है या महादोष चलाया जा सकता है अंडर आर्टिकल 61। हूँ देखो जी जो इंपीचमेंट का जो प्रोसैस है, अगर आप इसकी गल करते हाँ तो किस तरह चलाया जाएगा और इस तो केड़े केड़े क्वेश्चन एग्जाम दे विच बनते हैं, आप वन बाय वन डिस्कस करांगे। सब तो पहला देखो जी संसद दे विच चलाया जाएगा, और संसद दे विच तुहानू सारयां नू पता है जी किन्ने पार्ट हुंदे हन, तो 2 पार्ट हन, सब तो पहले जी लोकसभा और सैकेंड है जी राज्यसभा। हुण क्वेश्चन की आएगा कि प्रेजिडेंट दे उपर जो इंपीचमेंट दा प्रोसैस है किस सदन दे विच चलाया जा सकता है, तो अपना आंसर की होएगा जी बोथ हाउसेस, यानी कि दोनों सदन दे विच इंपीचमेंट चलाई जा सकती है, लोकसभा दे विच भी और राज्यसभा दे विच भी। फॉर एग्जाम्पल आप लोकसभा तो स्टार्ट करते हाँ कि प्रोसैस होएगा, किस तरह राष्ट्रपति नू इंपीचमेंट कराया जा सकता है, ओहदे तो अलग किया जा सकता है। आप देखिया जी बोथ हाउसेस यानी कि किसी भी सदन दे विच चलाया जा सकता है, तो देखो जी अगर आप लोकसभा दे विच स्टार्ट करते हाँ तो आपां नू केड़े केड़े स्टैप फॉलो करने पैणगे,
सब तो पहले देखो जी, अगर अंपीचमेंट का जो मता है लोग सभा दे विच चलाया जाए तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है जो टोटल सदन होएगा उसका 1/4 सीट्स, चार सीट्स नूं की करना होएगा जी, अपनी परमिशन देनी होएगी किस दे लई, मता पास करन दे लई। हाँ जी, सब तो पहला पर जो प्रोसैस है इस दे विच आपां की देखिया, टोटल जो हाउस है उसकी टोटल स्ट्रेंथ का 1/4 सीट अगर साइन करते हैं तो वह मता की है जी स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी, उस तो बाद देखो जी सैकेंड प्रोसैस दे विच की होएगा, जदों 1/4 जो सीट्स हैं अगर ये एग्री हो जाते हैं तो राष्ट्रपति नूं की करना होएगा जी, 14 डेज़ का एक नोटिस भेजा जाना जरूरी है। हुण इत्थे क्वेश्चन आता है कि जिस टाइम प्रेजीडेंट दे उपर इंपीचमेंट का प्रोसैस चल रहा हुंदा है उस टाइम राष्ट्रपति नूं किन्ने दिन का नोटिस भेजा जाना जरूरी है, तो अपना राइट आंसर होएगा जी 14 दिन का। इस तो बाद देखो जी जो थर्ड स्टेप होएगा दैट इज़ वेरी इंपोर्टेंट, इतों ही क्वेश्चन बनता है, थर्ड पॉइंट दे विच होएगा जी जदों मता पास हो गया 1/4 सीट ने साइन करे, राष्ट्रपति नूं भी 14 दिन का नोटिस भेज दिता गया। इस तो बाद देखो जी लोग सभा दे विच आपां मता स्टार्ट करिया तो इस दे विच ही थर्ड स्टेप दे विच एक स्पैशल मेजोरिटी की जरूरत पेगी। हाँ जी, किस मेजोरिटी की? स्पैशल मेजोरिटी। हाँ जी, स्पैशल मेजोरिटी का मतलब की हुंदा है जी, 2/3, यानी कि टोटल सीट जिन्या भी होनगियां उसका जो 2/3 हिस्सा होएगा वो की करेगा सहमत होएगा, तो फिर की होएगा जी ये जो मता है कित्थे चलिया जाएगा, सैकेंड हाउस दे विच चलिया जाएगा। एक बार आप फिर रिपीट करते हाँ जी, हाँ जी स्पैशल मेजोरिटी देखो जी की हुंदी है जी, कि कोई भी सदन है उस दियां टोटल सीटां दा 2/3, फॉर एग्जाम्पल लोक सभा दे विच टोटल सीटां किनियां हन जी, तो 545, अगर आप इसका 2/3 निकालते हाँ तो टोटल किन्ना आएगा जी 366, अगर 545 दे विचों 366 जो मैंबर हैं एक ही हैं जी बिल दे उपर वोट कर देंगे हैं एग्री हो जाते हैं तो आटोमैटिक ही होएगा जी इंपीचमेंट का जो मता है जो बिल है ये कितने चलिया जाएगा दूसरे सदन दे विच। हुण दूसरा सदन केड़ा है जी लोक राज्यसभा, तो राज्यसभा दे विच भी की होएगा जी फोर्थ स्टेप दे विच अगर राज्यसभा इस बिल नूं 2/3 बहुमत दे नाल पास कर दिंदी है तो राष्ट्रपति नूं की कर दिता जाएगा जी, हाँ जी प्रेजीडेंट नूं हटा दिता जाएगा यानी कि रिमूव कर दिता जाएगा। आई थिंक तुहानूं सारिआं नूं क्लीयर हो चुका होएगा। तो अगर आप देखते हाँ राज्यसभा दे विच टोटल सीट्स किनिया होंदिया हन तो 245 सीट्स होंदिया हन। हाँ जी, एक बार आप फिर रिकॉल कर लेंगे हाँ, देखो जी इंपीचमेंट किस आर्टिकल दे अंडर आता है तो आप देखिया आर्टिकल नंबर 61 एक ही होंदा है जिहदा राष्ट्रपति नूं अहुदे तो अलग करन दी प्रक्रिया है। रीज़न का अगर पूछा जाए तो रीज़न की होंदा है जी वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान तो बाहर जाके काम करना। इंपीचमेंट का प्रोसैस किहड़े सदन दे विच चलाया जा सकता है तो बोथ हाउसिस ऑफ द पार्लीमेंट लोक सभा या राज्यसभा, तो आप लोक सभा दे विच स्टार्ट करिया फर्स्ट स्टेप दे विच 1/4 सीट नूं एग्री होना पेगा दैन मता अगे मूव करेगा। उस तो बाद देखो जी अगर 1/4 सीट एग्री हो जाते हैं तो की होएगा 14 दिन का नोटिस किसनों भेजना पेगा जी, तो प्रेजीडेंट नूं भेजना पेगा। थर्ड स्टेप दे विच की होएगा जी स्पैशल मेजोरिटी चाहिए है, स्पैशल मेजोरिटी की होंगी है टोटल हाउस का 2/3। हाँ जी, अगर ये तीनों स्टेप फुलफिल हो जाते हैं तो यह जो बिल है कितने चलिया जाएगा जी राज्यसभा दे विच, और राज्यसभा दे विच की है जी आपां फोर्थ स्टेप देखा, अगर राज्यसभा दे मैंबर भी 2/3 मैंबर बहुमत देंदे हैं तो प्रेजीडेंट नूं की कर दिता जाएगा जी, हटा दिता जाएगा, रिमूव कर दिता जाएगा। बट अगर क्वेश्चन आए अज तक किन्ने प्रेजीडेंट नूं रिमूव किया गया है तो अपना आंसर की होएगा जी 0। हाँ जी, कई बार क्वेश्चन आता है इंपीचमेंट किन्ने प्रेजीडेंट नूं किया जा चुका है या फिर अहुदे तो किन्ने राष्ट्रपति नूं हटाया जा चुका है, तो एक भी नहीं, क्योंकि देखो जी प्रोसैस बहुत ज़्यादा लेंथी है। ठीक है जी, हाँ जी, तो इस तो बाद देखो जी जो अपना नैक्सट फंक्शन होएगा उसनों आप देख लेते हैं। आई होप तुहानूं लैक्चर पसंद आ रहा है। देखो जी अगर किसी का भी कोई डाउट है
तो कमेंट सैक्शन के पूछ सकता है। इस तो बाद देखो जी आप जो आर्टिकल नंबर 56 देखा, हाँ जी पिछली स्लाइड दे विच ही आपां देखा है आर्टिकल 56 दे विच की दिता गया है, तां जो राष्ट्रपति है उसका टेन्योर दिता गया है, यानी कि कार्यकाल दे बारे, राष्ट्रपति दे कार्यकाल दे बारे किहड़े आर्टिकल दे विच दिता गया है, आर्टिकल नंबर 56 दे विच। हुण देखो जी इस दे विच एक और गल बोली गई है, जो प्रेजीडेंट है इसकी जो सीट्स हैं इसकी सीट का की होना जी, वीकेंट होना, यानी कि राष्ट्रपति की सीट का खाली होना। तो हाँ जी देखो जी इस तो बाद आप क्वेश्चन भी डिस्कस करांगे, बहुत ही इंपोर्टेंट कंसैप्ट है, ध्यान दे नाल समझना है। आर्टिकल 56 दे विच की दिता होया है, प्रेजीडेंट की जो सीट है उसका की होना जी, वीकेंट होना या फिर खाली होना। और एग्जाम दे विच पूछा जाता है केड़ी-केड़ी कंडीशन दे विच प्रेजीडेंट की सीट वीकेंट हो सकती है, तो देखो जी आप टोटल 5 कंडीशन देखांगे। सब तो पहली कंडीशन दे विच की है जी, जो राष्ट्रपति है प्रेजीडेंट है उसका की है जी, 5 साल का जो कार्यकाल है वह की हो जाए, पूरा हो जाए, तो राष्ट्रपति की सीट की हो जाएगी, ऑटोमैटिक ही खाली हो जाएगी। उस तो बाद सेकंड चीज़ की है जी, राष्ट्रपति अपनी मर्जी दे नाल की करे जी, रेजिग्नेशन यानी कि त्याग पत्र, त्याग पत्र या फिर रेजिग्नेशन दे दे। हाँ जी तो हुण इत्थों क्वेश्चन की आएगा जी, राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन किसनू दिंदा है, लास्ट स्लाइड दे विच आपां पढ़ चुके हैं, आई होप सारियां नूं पता होएगा, वाइस प्रेजिडेंट। सैकेंड कंडीशन दे विच भी की हो जाएगा, राष्ट्रपति की सीट खाली हो जाएगी। थर्ड स्टैप दे विच की होएगा जी, अगर प्रेजीडेंट की डैथ हो जाती है या फिर टाइम पूरा होने तो पहला ही की है जी मौत हो जाती है, फिर भी की होएगा, प्रेजीडेंट की सीट जी ऑटोमैटिक ही हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उस तो बाद फोर्थ कंडीशन दे विच की है जी, अगर राष्ट्रपति दे उपर की चलाया जाए, अंपीचमेंट चलाई जाए, यानी कि महादोष चलाया जाए, अगर वो महादोष कंप्लीट हो जाता है तो राष्ट्रपति नू की कर दिता जाएगा, ओहदे तो हटा दिता जाएगा, दैन भी की होएगा, प्रेजीडेंट की सीट खाली हो जाएगी। और लास्ट फिफ्थ, अगर प्रेजीडेंट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब की हुंदा है, लाभ दे पद उपर, हाँ जी तो देखो जी जिस टाइम आप प्रेजीडेंट की क्वालिफिकेशन यानी कि आर्टिकल नंबर 58 के बारे पढ़िया सी, उस दे विच आपा की देखिया सी कि जो उस दियां क्वालिफिकेशन हन किहड़ियां किहड़ियां करियां, फस्ट सब तो फस्ट भारत दा नागरिक होए, सैकेंड घट तो घट 35 साल उम्र पूरी कर चुक्या होए, थर्ड दे विच आपां देखिया लोकसभा दा मैंबर बनन दियां योग्यतावां रखदा होए, और फोर्थ दैट इज़ वैरी इंपोर्टेंट किसी भी लाभ दे पद उपर ना होए। और अगर कोई प्रेजीडेंट लाभ दे पद उपर पाया जाता है या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पाया जाता है तो उसनूं की है जी ओहदे तो अलग कर दिता जाएगा। तो देखो जी आपां की करिया, 5 कंडीशन देखिया जिन्हां दे विच की है जी, अगर प्रेजीडेंट, ये 5 कंडीशन दे विचों 1 कंडीशन भी हुंदी है तो उसकी सीट की है जी खाली हो जाएगी। हुण ध्यान नाल देखना है जी, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 4 एंड पोजीशन नंबर अगर 5 दे विच प्रेजीडेंट की सीट खाली हुंदी है तो उस तो बाद की होएगा जी, एग्जाम दे विच पूछा जाएगा जो वाइस प्रेजीडेंट होएगा, वाइस प्रेजीडेंट बिकम प्रेजीडेंट। इसका की मतलब है जी, देखो जी सैकेंड थर्ड और फोर्थ, त्याग पत्र, डैथ, इंपीचमेंट और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर इन्हों कारणों के करके, इन्हों रीज़न के करके प्रेजीडेंट की सीट खाली होंगी है तो की होएगा जी, जो वाइस प्रेजीडेंट होएगा उसनों की बना दिता जाएगा, प्रेजीडेंट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपोर्टेंट। उस तो बाद देखो जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का जो चोन आयोग होएगा उसका वर्क की होएगा, उसका काम की होएगा, अगर सैकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ कंडीशन दे विच प्रेजीडेंट की सीट खाली हो जाती है और वाइस प्रेजीडेंट नू प्रेजीडेंट बना दिता जाता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो काम होएगा वह की होएगा जी, इलेक्शन नू दोबारा करवाना, इलेक्शन करवाना। और हुण इत्थे क्वेश्चन की बनता है जी,
अगर प्रेजीडेंट की सीट खाली हो जाती है और वाइस प्रेजीडेंट प्रेजीडेंट बन जाता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नूं किन्ने टाइम दे विच विच इलेक्शन करवाने पैंदे हन, तो अपना जो राइट आंसर होएगा 6 मंथ के अंदर अंदर, विद इन 6 मंथ के विच इलेक्शन हो जाने चाहिए हैं। आई होप ये भी कंसैप्ट तुहानू क्लीयर हो चुका होएगा। हाँ जी, हुण देखो जी, एक और चीज़ जो एग्जाम दे विच पूछी जाती है कि जो प्रेजीडेंट है, अगर प्रेजीडेंट की सीट खत्म हो जाए तो उसकी जगह पर कौन प्रेजीडेंट बनेगा जी? वाइस प्रेजीडेंट। बट एक कंडीशन और है, अगर क्वेश्चन आए कि प्रेजीडेंट की जिस टाइम सीट खाली होती है अगर वाइस प्रेजीडेंट नहीं है तो फिर किसको प्रेजीडेंट बनाया जाएगा? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो अपना आंसर होएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज होएगा उसनों की बना दिता जाएगा जी, तो उसनों बना दिता जाएगा भारत का प्रेजीडेंट। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो फिर देखो जी, जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होएगा, सीनियर मोस्ट जज, हाँ जी, इसनों की बना दिता जाएगा? भारत का राष्ट्रपति बना दिता जाएगा। हाँ जी, हुण एक चीज़ ध्यान दे नाल देखनी है जी, इत्थों कुछ क्वेश्चन हैं। सब तो पहले देखो जी, आपां देखते हाँ डैथ, तो कई बार एग्जाम दे विच क्वेश्चन आता है कि इदां दा प्रेजीडेंट जिसकी जो डैथ है अपने ही टेन्योर यानी कि कार्यकाल तो पहला हो गए, तो उस प्रेजीडेंट का नाम की सी? तो उसका नाम से जाकिर हुसैन। हाँ जी, तो देखो जी, पंजाबी वाले टेंशन ना लें क्योंकि जो नाम होता है इंग्लिश और पंजाबी दे विच सेम होता है। हाँ जी, तो अगर क्वेश्चन आए कि इदां दा प्रेजीडेंट जिसकी डैथ उसके कार्यकाल दे विच ही हो गई, उसका नाम की है जी? डैथ इन ऑफिस, यानी कि जाकिर हुसैन। हाँ जी, हुण देखो जी, इस तो बाद अगर आप गल करते हाँ जिस टाइम जाकिर हुसैन की डैथ होए, तो आप देखा है कि थर्ड कंडीशन नू फुलफिल हो रही है, तो थर्ड कंडीशन दे विच देखो जी, जो वाइस प्रेजीडेंट है वह की बनेगा? प्रेजीडेंट। इसनों की बोलिया जाता है एक्टिंग प्रेजीडेंट या फिर टेंपरेरी प्रेजीडेंट। तो जिस टाइम जाकिर हुसैन की डैथ होए, प्रेजीडेंट की सीट खाली होई, तो हुण क्वेश्चन आएगा कि जाकिर हुसैन की जगह के उपर केड़ा वाइस प्रेजीडेंट से जो प्रेजीडेंट बनया? दैट इज़ इंपोर्टेंट, तो उसका नाम है जी वी गिरी। हाँ जी, ये भी चीज़ तुहानू क्लीयर हो चुकी होएगी। हुण एक कंडीशन आपां इत्थे भी देख चुके हाँ कि अगर प्रेजीडेंट की डैथ हो जाती है या इन्हां चार कंडीशनां दे विच्चों कुछ भी होए तो सीट खाली होएगी, और वाइस प्रेजीडेंट की है जी? प्रेजीडेंट बनेगा। और अगर वाइस प्रेजीडेंट नहीं है तो कौन प्रेजीडेंट बनेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और हुण क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन सी जो कि बनया? प्रेजीडेंट बनया, क्योंकि उस टाइम की है जी वाइस प्रेजीडेंट नहीं सी और प्रेजीडेंट की डैथ हो चुकी सी, तो उस पर्सन का नाम है जी जस्टिस हिदायतुल्ला। हाँ जी, की नाम है जी? जस्टिस हिदायतुल्ला। ये नाम बहुत बार एग्जाम दे विच पूछा जाता है। हाँ जी, एक बार स्क्रीन नू तुसी दोबारा देख लो, अगर तुहाडा कोई भी डाउट है तो तुसी साढ़े तो कमेंट सैक्शन दे विच पूछ सकते हो, तुहाडे सारे जो डाउट हैं उन्होंने क्लीयर कराया जाएगा। हाँ जी, आई होप ये सब कुछ तुहानू समझ आया होएगा। हाँ जी, इस तो देखो जी, जो आप इंपीचमेंट जो प्रोसैस करिया सी उस दे विच एक स्टेप तुसी और ऐड कर लेना है कि देखो जी, जो इंपीचमेंट है इस दे विच पार्टिसिपेट कौन कौन करता है, तो इंपीचमेंट दे विच जो पार्लियामेंट है जिसनों संसद बोलिया जाता है, संसद दे जिन्ने भी मैंबर हन, हाँ जी टोटल मैंबर, देखो जी ये मैं क्यों करवा रहा हाँ, क्योंकि देखो जी अगर तुहानू याद है तो जिस टाइम आप प्रेजीडेंट दे इलेक्शन की गल करी उस टाइम आप की करिया कि जो पार्लियामेंट है यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, तो इलेक्शन दे विच कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? लोकसभा और राज्यसभा दे चुने हुए मैंबर। बट इंपीचमेंट दे विच महादोष दे विच कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? तो देखो जी सारे ही मैंबर जो चुने हुए हैं या फिर नियुक्त किए गए हैं। हाँ जी, आई होप इतों तक तुहानू क्लीयर हो चुका होएगा। हाँ जी, त
तो इस तो बाद देखो जी आप राष्ट्रपति दियां जो शक्तियां हैं आर्टिकल नंबर 53 दे विच दित्तियां गई हैं उन्हां दे बारे आप कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सब तो पहला क्वेश्चन है जी जो प्रेजीडेंट है इसनों किन्ने तरह की पावर दित्ती गई है तो अपना आंसर होएगा 5 टाइप की पावर। सब तो जो पहली पावर है वो की है जी कारज साधकी शक्तियां, कारज साधकी शक्तियां यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर। सेकंड है जी विधान की शक्तियां। एक एक पॉइंट इंपोर्टेंट है जी ध्यान दे नाल देखना है। विधान की शक्तियां का मतलब होता है लेजिस्लेटिव पावर। थर्ड है जी न्यायिक शक्तियां। जुडिशियल पावर। फोर्थ है जी वित्तीय शक्तियां। जिसनों बोलिया जाता है फाइनेंशियल पावर। और लास्ट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट संकटकालीन शक्तियां। इसनों बोलिया जाएगा एमरजेंसी पावर। हाँ जी एक बार इसनों नोट डाउन कर लो। हाँ जी तो देखो जी अब अगर क्वेश्चन आए प्रेसिडेंट की जो पावर है जो शक्तियां हैं इन्हों का जिक्र किस आर्टिकल दे विच करया गया है तो अपना राइट आंसर होएगा आर्टिकल नंबर 53 दे विच करया गया है। हाँ जी और टोटल किन्ने तरह दियाँ पावर्स प्रेजीडेंट नूं दित्तियां गई हैं तो आप देखिया 5 टाइप पावर दित्तियां गई हैं। हाँ जी तो केड़ियां शक्तियां दित्तियां गई हैं तो आप देखिया फर्स्ट है जी कार्य साधकी शक्तियां एग्जीक्यूटिव पावर, सैकेंड है जी विधानिक शक्तियां लैजिस्लेटिव पावर, थर्ड है जी न्यायिक शक्तियां जुडिशियल पावर, फोर्थ आप देखिया वित्तीय शक्तियां फाइनेंशियल पावर और फिफ्थ आप देखिया जी हाँ जी संकटकालीन शक्तियां यानी कि एमरजेंसी पावर। हाँ जी हुण वन बाय वन देखो जी इन्हां तो ही क्वेश्चन आएंगे और एक एक कंसैप्ट नूं आपां कवर अप करांगे। सब तो पहला आपां देखदे हां जी कारज साधकी शक्तियां यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर दे विच देखो जी ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं हुण देखो जी क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आए कि जो मंत्री मंडल है उसकी नियुक्ति किस दे द्वारा करी जाती है या जो प्रधानमंत्री है प्राइम मिनिस्टर की जो नियुक्ति है किस दे द्वारा करी जाती है या क्वेश्चन बन सकता है कि जो स्टेट के गवर्नर हैं उन्हां दी नियुक्ति किस द्वारा करी जा सकती है तो इस तरह के वन वर्ड क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम दे विच पूछे जाते हैं तो बहुत ही इंपोर्टेंट कंसैप्ट है। हाँ जी स्टूडेंट ध्यान दे नाल देखना है। सब तो पहले नंबर दे विच आपां जो अपॉइंटमेंट हैं उन्हां नूं डिस्कस करांगे। हाँ जी अपॉइंटमेंट जिहदा है पंजाबी दे विच नियुक्तियां। हाँ जी तो जिन्हिया भी नियुक्तियां हैं आप सारिया ही इस पावर्स दे विच देखांगे। देखो जी सब तो पहला जो पॉइंट है इस दे विच आप की देखांगे सब तो पहला जो प्रेजीडेंट है किसकी नियुक्ति करता है तो अपना आंसर होएगा जी प्राइम मिनिस्टर की यानी कि जो प्रधानमंत्री होएगा उसकी नियुक्ति किस दे द्वारा करी जाती है तो प्रेजीडेंट के द्वारा करी जाती है। जिस टाइम प्रधानमंत्री की नियुक्ति होएगी उस तो बाद प्रधानमंत्री की सिफारिश से हाँ जी एक एक वर्ड इंपोर्टेंट है ध्यान नाल देखना है जी प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश से जो राष्ट्रपति है किसकी नियुक्ति करेगा तो मंत्रिमंडल की। हाँ जी हुण देखो जी अगर क्वेश्चन आए कि जो मंत्रिमंडल है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है। हाँ जी तो अगर दो ऑप्शन दे विच तुहानू एक चूज़ करनी होए फस्ट जो ऑप्शन है उस दे विच होए राष्ट्रपति द्वारा और सैकेंड जो ऑप्शन है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश से राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की नियुक्ति की जाती है तो अपना राइट आंसर की होएगा जी प्रधानमंत्री की सिफारिश से मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करेगा राष्ट्रपति। दैट इज़ इंपोर्टेंट आई थिंक तुहानू ये चीज़ क्लीयर हो चुकी होएगी। उस तो बाद सैकेंड चीज़ दे विच की है जी जिन्हिया भी स्टेट्स हैं
फॉर एग्जाम्पल पंजाब की है जी, एक स्टेट है, हरियाणा की है जी, एक स्टेट है, और हर स्टेट दे विच एक गवर्नर हुंदा है जिसनों पंजाबी दे विच की बोलिया जाता है, राजपाल बोलिया जाता है, राजपाल यानी कि गवर्नर। तो जिन्हिया भी स्टेट्स हैं उन्हां दे राजपालों की नियुक्ति भी किस दे द्वारा करी जाती है, तो राष्ट्रपति दे द्वारा करी जाती है। आई होप ये भी पॉइंट थानू क्लीयर हो चुका है। थर्ड दैट इज़ इंपोर्टेंट, देखो जी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है आपा करिया, हाँ जी अगर क्वेश्चन आए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है एट प्रजेंट, इसका जो आंसर है तुसी कमेंट बॉक्स दे विच देना है। हाँ जी थर्ड पॉइंट दे विच की है जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और सैकेंड की है जी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इस लाइन का मतलब की है जी, देखो इस तो काफ़ी सारे क्वेश्चन काफ़ी सारे डाउट थोड़े क्लीयर हो गए। हाँ जी हूँ अगर एग्जाम दे विच कोई भी क्वेश्चन आए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिलेटड, तो देखो जी आप किदा कवर करांगे, बस आप एक ही लाइन याद रखनी है, प्रेजिडेंट किसकी नियुक्ति करता है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य जज है यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, जिन्ने भी हाई कोर्ट हैं एट प्रजेंट इंडिया दे विच किन्ने हाई कोर्ट हैं, तो 25 हाई कोर्ट हैं, उन्हां हाई कोर्ट दे जो मुख्य जज हैं उन्हां दी नियुक्ति भी कौन करता है, प्रेजिडेंट करता है। दैन उस तो बाद की है जी जिन्ने भी जज हैं सुप्रीम कोर्ट अते हाई कोर्ट दे, तो उन्हां दी नियुक्ति भी किस द्वारा करी जाती है, प्रेजिडेंट के द्वारा। आई होप ये भी लाइन तुहानूं कवरअप हो चुकी होएगी। इस तो बाद है जी फोर्थ नंबर ते अटोर्नी जनरल, और फिफ्थ नंबर है जी कंट्रोलर अते ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हूँ देखो जी ये दोनों कौन हैं जी, सब तो पहली चीज़ इन्हों अगर आप आर्टिकल की गल करते हाँ तो अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर कितना है जी 76, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसनों CAG यानी कि कैग भी बोलिया जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसका आर्टिकल भी एग्जाम दे विच काफ़ी बार पूछा जाता है, 148 तो लैके 151 किस दे नाल डील करता है जी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इन दोनों दे वे जो अपॉइंटमेंट है किस दे द्वारा करी जाती है, तो अपना राइट आंसर होएगा प्रेजिडेंट। इस तो बाद देखो जी कुछ आयोग हैं, आयोग नू की बोलिया जाता है जी, तो कमीशन बोलिया जाएगा। हाँ जी तो कुछ मुख्य आयोगों की आप गल कर लेंगे हाँ, हाँ जी तो बहुत सारे आयोग हैं, बहुत सारे कमीशन हैं जिन्हां दे जो चेयरमैन और मैंबर दोनों नू ही कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेजिडेंट अपॉइंट करता है। हुण देखो जी केड़े केड़े आयोग हैं, तो सब तो पहले नंबर पर तुहानू याद रखना है वित्त आयोग, जिसनों इंग्लिश दे विच की बोलिया जाता है फाइनांस कमीशन। हाँ जी तो देखो जी अगर क्वेश्चन आए वित्त आयोग का चेयरमैन अते मैंबर नू कौन अपॉइंट करेगा, तो अपना राइट आंसर होएगा प्रेजिडेंट। हाँ जी तो एक इत्थे तुसी पॉइंट और याद रखना है, वित्त आयोग का जिक्र अपने संविधान दे विच किस आर्टिकल दे विच करया गया है, हाँ जी आर्टिकल नंबर 280। सैकेंड जो अपना मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, हाँ जी सैकेंड है जी चोन आयोग, जिसनों बोलिया जाता है इलेक्शन कमीशन। हाँ जी हुण क्वेश्चन आएगा जी इलेक्शन कमीशन दे जिन्ने भी चेयरमैन हैं या फिर मैंबरस हैं उन्होंने अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, प्रेजिडेंट के द्वारा। और चोन आयोग का जो आर्टिकल नंबर है किन्ना है जी, तो 324। थर्ड नंबर पर है जी भाषा आयोग, दैट इज़ वेरी इंपोर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम दे विच पूछा जाता है भाषा आयोग यानी कि लैंग्वेज कमीशन, इसका जो आर्टिकल नंबर है 344। इसका भी गठन किसके द्वारा कराया जाता है, प्रेजिडेंट के द्वारा। फोर्थ नंबर पर है जी अंतरराज्यी कमीशन, अंतरराज्यी आयोग या फिर कमीशन, इसनों की बोलिया जाता है, तो इसनों बोलिया जाएगा इंटर स्टेट
कमीशन ते की है राज्यां और सेंटर दे विच की है जी संबंध क्रिएट करके रखता है। हाँ जी तो इंटर स्टेट कमीशन यानी कि अंतरराज्यी आयोग का गठन किस दे द्वारा करिया जाता है तो अपना राइट आंसर होएगा प्रेजिडेंट के द्वारा। इस तो बाद फिफ्थ नंबर हाँ जी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसनों की बोले जाता है जी तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तो इसका गठन भी किसके द्वारा कराया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। सिक्स और लास्ट है जी संघ लोक सेवा आयोग जिसनों बोलिया जाएगा यूपीएससी यानी कि यूनियन एंड पब्लिक कमीशन। हाँ जी यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हाँ जी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है इस दे विच जो चेयरमैन एंड मेंबर हैं इन्हों किस दे द्वारा अपॉइंट कराया जाता है तो अपना राइट आंसर होएगा प्रेसिडेंट। और इसका जो आर्टिकल नंबर है वह कितना है जी तो है जी 315। काफ़ी बार एग्जाम दे विच पूछा गया है जो यूपीएससी है इस दे जो चेयरमैन और मैंबरस हैं इन्हों का जो अपॉइंटमेंट प्रोसैस है किस दे अंडर करवाया जाता है जी तो अपना आंसर होएगा प्रेजीडेंट। हाँ जी इस तो बाद देखो जी सैकेंड जो अपना पॉइंट है अपना जो टॉपिक चल रहा है कार्य साधकी शक्तियाँ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेजीडेंट तो फस्ट पॉइंट आप क्लीयर कर चुके हाँ कवरअप कर चुके हाँ। सैकेंड पॉइंट दे विच की है जी देखो कई बार क्वेश्चन आता है ध्यान सुनना है जिन्हें भी कार्य साधकी काम हैं किस दे नाम उपर करे जाते हैं तो राष्ट्रपति के नाम के उपर। हाँ जी तो इसलिए राष्ट्रपति नूं की बोलिया जाता है हैड ऑफ स्टेट। हैड ऑफ स्टेट यानी कि राज दा मुखी। और लास्ट टाइम जिन्हें भी एग्जाम से हाँ जी अक्सर एग्जामों के क्वेश्चन पूछा गया और ऑप्शन के अक्सर ही की होंगे है जी तो प्राइम मिनिस्टर भी ऑप्शन के होएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट की हैं जी कन्फ्यूज हो जाते हैं तो तुसी याद की रखना है ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑन हिज नेम। हाँ जी तो किस दे नाम के उपर प्रेजीडेंट के नाम के उपर यानी कि सारे कार्य साधकी काम किस दे नाम उपर करवाए जाते हैं तो राष्ट्रपति इसलिए उसनों की बोलिया जाता है हैड ऑफ स्टेट यानी कि राज दा मुखी बोलिया जाता है। हाँ जी तो थर्ड नंबर दे विच की देखांगे जी तो देखो जी अगर कोई एरिया है हाँ जी किसी भी एरिए नूं शेड्यूल एरिया बनाना या फिर इसनों बोलिया जा सकता है अनुसूचित एरिया। हाँ जी तो ये पावर किसके कोल है जी। हाँ जी देखो जी अगर आप गल करते हैं अनुसूचित एरिया की हुंदा है तो इसनों आप अपने शेड्यूल्स दे विच कवरअप कर चुके हाँ शेड्यूल नंबर 5 और शेड्यूल नंबर 6 दे विच किसका जिक्र कराया गया है। हाँ जी तो शेड्यूल एरिया का जिक्र कराया गया है। हाँ जी तो हुण अपना इत्थे पॉइंट की है जी किसी भी एरिए नूं शेड्यूल एरिया डिकलेयर करना या फिर घोषित करना किस दी पावर दे अंडर आएगा तो आपका जो राइट आंसर होएगा प्रेजीडेंट। हाँ जी इस तो बाद फोर्थ नंबर दे विच की देखांगे जी जो प्रेजीडेंट है इस दियां सैनिक शक्तियां दे बारे सैनिक शक्तियां या फिर मिलिट्री पावर दे विच एक ही क्वेश्चन एग्जाम दे विच पूछा जाता है कि भारत दियां तिना सेनावां दा सुप्रीम कमांडर किसनों बोलिया जाता है। हाँ जी सुप्रीम कमांडर तो अपना राइट आंसर की होएगा जी राष्ट्रपति। हाँ जी तो ये राष्ट्रपति की किस शक्तियां दे विच शामिल है तो अपना आंसर होएगा सैनिक शक्तियां या फिर मिलिट्री पावर। हुण तुहाडे लई तुसी कमेंट बॉक्स दे विच आंसर करना है आर्मी नेवी एंड इंडियन एयर फोर्स। हाँ जी तो इन्हां तिन्नां दे जो चीफ हैं एट प्रजेंट एग्जाम दे विच पूछे जा सकते हैं तो कमेंट सैक्शन दे विच तुसी आंसर करना है आर्मी चीफ नेवी चीफ और इंडियन एयरफोर्स चीफ। और सैकेंड चीज़ तुसी कमेंट बॉक्स दे विच जो करनी है जो आर्मी दिवस नेवी दिवस और इंडियन एयरफोर्स दिवस है कदों सैलीब्रेट कराया जाता है। हाँ जी उस तो बाद देखो जी फिफ्थ नंबर जो पावर है दैट इज़ वेरी इंपोर्टेंट जिस दे विच की है जी
हाँ जी, डिप्लोमैटिक पावर, डिप्लोमैटिक पावर, डिप्लोमैटिक पावर की होंगी है जी। हाँ जी, तो इसनों पंजाबी विच बोलिया जाएगा कूटनीतिक शक्ति। तो देखो जी, कूटनीतिक शक्तियों की अगर आप गल करते हाँ डिप्लोमैटिक पावर, तो इसका मतलब की होंगे है, देखो जी इंडिया जिदा फॉर एग्जाम्पल अपनी जो नेबर कंट्रियां हैं या जिन्हिया भी कंट्रियां हैं, फॉर एग्जाम्पल आस्ट्रेलिया, USA, कैनेडा, तो इन दे विच की है जी, तो अपने राजदूत भेजता है अपने जो इंडिया है उसनों प्रमोट करन दे लई कि जो USA है या कैनेडा है उस दे विच जो इंडियन पीपल्स रह रहे हैं उन्होंने किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं आ रही है, या जो बिजनेस रिलेटेड एक दूसरे जो कंट्री दे विच कनैक्शन जो बिठाते हैं वो कौन होंगे हैं जी, राजदूत होंगे हैं। तो उन्हें राजदूत को एक देश तो दूसरे देश दे विच भेजन का काम किसका होंगे है, तो राष्ट्रपति का। और ये राष्ट्रपति की किस शक्ति दे विच आएगा, तो डिप्लोमैटिक पावर या फिर कूटनीतिक शक्तियों के। हाँ जी, तो इस दे विच आपां की देखांगे दूसरे देशों दे विच, दूसरे देशों विच राजदूत या फिर अंबेसडर भेजना। हाँ जी, तो अगर क्वेश्चन आए कि जो डिप्लोमैटिक पावर हैं या फिर दूसरे देशों दे विच जो इंडिया दे वालों राजदूत भेजे जाते हैं, हाँ जी किस दी अथॉरिटी दे अंडर भेजे जाते हैं, तो अपना राइट आंसर होएगा प्रेजीडेंट। तो ये प्रेजीडेंट की कौन सी पावर आप डिस्कस कर रहे हैं, कूटनीतिक शक्तियाँ या फिर डिप्लोमैटिक पावर। लास्ट और सिक्स पॉइंट है जी अपना, जो संघी खेत्र है, संघी खेत्र का प्रबंध करना, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्होंने आप बोलते हाँ जी यूनियन टेरेटरी। तो टोटल किनिया यूनियन टेरेटरी हैं, तो अपना राइट आंसर होएगा 8। तो जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं इन्हां दे विच जो प्रबंध करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है, वो किस दी पावर दे अंडर हुंदा है, तो अपना राइट आंसर होएगा प्रेजीडेंट। तो प्रेजीडेंट की करता है जी, जो संघी खेत्र हैं इन्हां दा प्रबंध चलान दे लई किस नूं अपॉइंट करता है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर। हाँ जी, हुण क्वेश्चन की आएगा जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर नूं कित्थे अपॉइंट करिया जांदा है, तो केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरेटरी जिसनों बोलिया जांदा है संघी खेत्र, और इन्हों अपॉइंट करन दी पावर किस दे कोल हुंदी है, तो अपना राइट आंसर होएगा प्रेजीडेंट दे कोल। देखो जी, जिस तरह जो स्टेट हुंदी है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने पंजाब की गल करते हाँ, तो स्टेट दे विच की है जी, एक CM होएगा और सैकेंड कौन होएगा जी, गवर्नर होएगा। बट जो यूनियन टेरेटरी है दिल्ली और पुडुचेरी नूं छड़ के, बाकी जिन्हिया भी यूनियन टेरेटरी हैं उन्हां दे विच की हुंदा है जी, CM नहीं हुंदा उन्हां दे विच, सिर्फ और सिर्फ कौन होएगा जी, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होएगा। हाँ जी, इन्हां तक तुहानू क्लीयर हो चुका होएगा। आई होप अज का जो लैक्चर है तुहानू पसंद आया होएगा। इस लैक्चर दे विच आपां काफ़ी इंपोर्टेंट डाटा डिस्कस करिया, एक बार उसनों आपां रिपीट करते हाँ। देखो जी, आपां अपने लैक्चर की शुरुआत आर्टिकल नंबर 660 तो करी। इस दे विच आपां देखिया कि जो प्रेजीडेंट है उसकी ओथ के बारे आपां डिस्कस करिया कि प्रेजीडेंट नूं ओथ किस दे द्वारा दिलवाई जाती है, तो आपां देखिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एबसेंट है, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होएगा उसके द्वारा प्रेजीडेंट नूं ओथ दिलवाई जाएगी। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नूं ओथ किस दे द्वारा दिलवाई जाएगी, तो आपां देखिया प्रेजीडेंट दे द्वारा। दैन आपां देखिया कि जो रेजिग्नेशन है, प्रेजीडेंट अपना रेजिग्नेशन किस नूं देगा, तो वाइस प्रेजीडेंट नूं देगा। उस तो बाद जो प्रेजीडेंट है आर्टिकल 56 के अंडर आपां देखिया इसका जो टन्योर है 5 साल का हुंदा है, और 57 के अंडर आपां की देखिया एनी नंबर ऑफ टाइम इलैक्ट हो सकता है, और सब तो लोंगेस्ट टन्योर, हाँ जी कमेंट सैक्शन के टाइप करना है। उस तो बाद जो प्रेजीडेंट है उसका जो इंपीचमेंट प्रोसैस है उसनों देखिया, हाँ जी इंपीचमेंट की गल करते हाँ, तो पार्लीमेंट के किसी भी सदन के चलाया जा सकता है। इसका जो टोटल प्रोसैस है आप फॉलो करिया, सब तो पहला अगर आप लोग सभा के चलाते हाँ तो 1/4 मैंबर वोट करेंगे, दैन मता पास होएगा, और 14 दिन के लिए राष्ट्रपति की है नोटिस देना पड़ेगा। दैन की है 2/3 मैंबर लोग सभा के अगर वोट करके पास करते हैं स्पैशल मेजोरिटी के नाल, तो कितने चलिया जाएगा, दूसरे सदन के। और उस तो बाद दूसरा सदन भी अगर 2/3 बहुमत के नाल पास करता है, तो प्रेजीडेंट की कराया जाएगा, रिमूव कर दिता जाएगा। बट अजे तक एक भी प्रेजीडेंट रिमूव नहीं करया गया है। इस तो बाद आप देखिया जी 5 कंडीशन दे विचो अगर 4 कंडीशन दे नाल राष्ट्रपति नूं हटाया जा सकता है, तो की होएगा जी,
जो वाइस प्रेसिडेंट है उसनों की बना दिता जाएगा, राष्ट्रपति बना दिता जाएगा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम की होएगा इलेक्शन नू दोबारा करवाना, और दोबारा किन्ने मंथ के अंदर अंदर करवाना, तो विद इन 6 मंथ के अंदर करवाना। हुण एक क्वेश्चन इत्थे होर आ सकता है कि जो नवा प्रेसिडेंट बनेगा वह किन्ने साल के लिए बनेगा। हाँ जी, तो देखो जी, जो नवा प्रेसिडेंट बनेगा तो वह जिन्ना टाइम बचा है उन्ने टाइम लिए नहीं बनेगा, अपना 5 साल का टेन्योर पूरा करेगा। उस तो बाद देखो जी, आप टोटल जो शक्तियां हैं पावर हैं उन्होंने बारे देखा, जिसके फर्स्ट जो पावर है जिसनों बोलिया जाता है कारज साधकी शक्तियां, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर। उस दे विच आपां सब तो पहला अपॉइंटमेंट नू डिस्कस करिया, दैन उस दे विच आपां जो राष्ट्रपति दे और अलग अलग वर्ग सन जिस दे विच की है जी बहुत सारे मुख्य आयोगों यानी कि कमिश्नर की नियुक्ति करता है। दैन आपां देखिया कि जो सैनिक शक्तियां देखिया, उस तो बाद डिप्लोमैटिक पावर देखिया, और इस तो इलावा जो यूनियन टेरेटरी दे विच जो एडमिनिस्ट्रेशन हुंदा है सेंटर गवर्नमेंट का, उन्होंने लिए किसनों अपॉइंट कराया जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर नूं अपॉइंट कराया जाता है। आई होप अज का लैक्चर तुहानूं बहुत ज़्यादा पसंद आया होएगा। अगर लैक्चर तुहानूं पसंद आया है तो इसनूं लाइक करो, शेयर करो, और ज़्यादा तो ज़्यादा कमेंट करो, और अपने जिन्हें भी फ्रेंड हैं जिन्हें भी दोस्त हैं जो प्रैपरेशन कर रहे हैं उन्होंने तक इस लैक्चर पहुँचाओ, ताकि इस लैक्चर का वह भी कि हम जी बेनीफिट उठा सकन।